सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है हमारा सेकेंड व्लॉग। कल रात को हम ढंग से सो नहीं पाए थे, सो फीलिंग बिट टायर्ड, बट उसके बावजूद भी वी हैव टू स्टार्ट आर डे, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो जैसे ही हम ब्रश करते करते हम प्लान किएंगे हमें करना क्या है, उसके बाद स्ट्रेट अवे वी वेंट टू मेक आर रूटीन। तो रूटीन में कुछ खास नहीं है, आज हमें दिन भर इंग्लिश पढ़ना है। सो एक रात है हमारे पास जो कि हमारा फेवरेट चीज़ है, उसके बाद हम सीधे छत पे जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। सो जूतों को बांधते बांधते आज हमने अपना एक्सरसाइज का रूटीन शुरू किया। आज एक्सरसाइज रूटीन में हमने थोड़े चेंजेस किए, जैसे कि आज हमने कैलिस्थेनिक्स ऐड किया पहली बार। ऐसा ही हम इसलिए करते हैं क्योंकि घर पे वर्कआउट करने के लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए, तो अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो वी विल गेट बोर्ड एंड वी विल गिव अप। तो स्ट्रेंथ में थोड़ी कमी हो गई जस्ट बिकॉज वी हैव लेफ्ट जिम, बट एजिलिटी एंड स्ट्रेचिबिलिटी इज़ एग्जैक्टली द सेम। तो थोड़े से एक्सरसाइज करने के बाद वी डिड मेडिटेशन, विच इज़ द नॉन नेगोशिएबल पार्ट ऑफ आर लाइफ, विच कीप्स मी बैलेंस एंड विच आई एम डूइंग इट फॉर मेनी ईयर्स। तो उसके बाद बालों को सहलाते सहलाते, उसके बाद नहाने के बाद वी टुक आर फर्स्ट मील, एंड वी ऑलवेज प्रेफर टू हैव समथिंग वेरी लाइट इन ब्रेकफास्ट बिकॉज उसके बाद बहुत पढ़ना होता है, तो इट सेट द टोन फॉर द डे। उसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट सेशन ऑफ टुडे, दैट वॉज ऑफ रीडिंग। तो रीडिंग में आज हमने पढ़ा वाई वी स्लीप बाय मैथ्यू वॉकर। इस किताब में बस ये बताया गया है, इनफैक्ट बहुत चीज़ें बताई गई हैं, बट स्पेसिफिकली जो आज हमने पढ़ा वो ये था दैट स्लीप इज़ अ वेरी 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 रिलेटिव कॉन्सेप्ट। लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं शायद 6 घंटे सो लो, जो 8 घंटे सो लो, बट दिस इज़ नॉट अ प्रोपोजिशन दैट वी शुड फॉलो। आपके साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और भी स्टेट पे डिपेंड करता है दैट हाउ मच यू शुड स्लीप। तो ऑथर ने हर एज ग्रुप के लिए उतना बताया है। सो ये पढ़ने के दौरान ही मम्मी ने हमें अपना प्रॉमिस याद दिला दिया जो कि हमने उनसे किया था कि आज हम सब्जियां लाने जाएंगे बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ वेजिटेबल्स। तो खुद से सब्जी लाने जाने का फ़ायदा बस एक ही होता है दैट यू कैन चूज़ द वेजिटेबल्स दैट यू लव, नॉट ऑफ योर मदर्स चॉइस। तो जब हम सब्जियां खरीद रहे थे लाइक इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, इट वॉज अ डिस्टर्बेंस, बट इन फैक्ट इट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल, यू कैन नॉट नेगोशिएट विथ। तो हमने बहुत सब्ज़ी ख़रीदने के बाद, बिकॉज आई वेंट विथ माई सिस्टर, तो हमें थोड़ी लेबर कम करनी पड़ी, उनसे हमने सामान उठवाया, उसके बाद मैं खुश हूँ तो वी आर गोइंग होम अगैन। तो इट टुक ऑलमोस्ट 1 and 2 hours टू डू एवरीथिंग, देन डायरेक्टली वी सेट एंड वी स्टार्टेड आर सेकेंड सेशन ऑफ इंग्लिश अगैन, टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी अगेन। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आज रात को 12 बजे मुझे कह दो, मैं उठ के कर लूँगा बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट आई लव। और पता नहीं यार कि इंग्लिश से इतना प्यार कैसे हो गया, बिकॉज शायद बचपन से बताई गई थी। कुछ दिन पहले मेरे सर ने पूछा था कि वाई योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैंने यही कहा कि बचपन से बताई गई इसकी इम्पॉर्टेंस। तो इसके बाद हमारा ट्यूशन का टाइम हो गया, सो वी हैड फ्रूट्स बिफोर गोइंग टू कोचिंग। और उसके बाद मैं बता दूँ कि ये है, हम अपनी गुठलियों को ज़रूर धोते हैं, हमारे घर का रूल है, जो आम खाने के बाद गुठलियों को हम धोते हैं, अच्छे से धोते हैं, और उसके बाद उसे हम जाके खुद धूप में रखते हैं सूखने के लिए, एंड देन दी सीड्स विल बी यूज फॉर प्लांटेशन, और इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इतनी मशक्कत के बाद हम अपने कोचिंग पहुंच गए, वो भी टाइम से पहले, तो इसीलिए भैया सो रहे थे बिकॉज सर तब तक आए थे नहीं। तो सर के आने के बाद वी स्टार्टेड इंग्लिश, आज भी सब कुछ इंग्लिश है भाई। तो यू मस्ट बी वॉन्डरिंग कि ये सर तो उस दिन मैथ्स पढ़ा रहे थे, इंग्लिश कैसे पढ़ा सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन माई लाइफ अ मैथ्स टीचर टीचिंग इंग्लिश इन अ सच अ सोफिस्टिकेटेड वे। तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, सो हमें भी लाइफ में ऐसा ही ऑलराउंडर बनना है, फिर हमारे पास भी पैसा ही पैसा होगा। सो कोचिंग खत्म होने के बाद वी चेक अ परसेंटाइल एंड इट हैज़ इंक्रीज टू 81 फ्रॉम लास्ट टाइम ऑफ 61। हम एक और छलांग मारेंगे एंड डायरेक्टली 101। अरे बट यार परसेंटाइल तो 100 तक ही होती है, क्या बोला तूने? सो कोचिंग से बाहर निकलते ही ये है हमारा बकरिया का झुंड। ये भैया मुझे मना करते रहे कि मुझे ब्लॉग में मत डालना, बट तभी मैंने इनको डाल ही दिया। उसके बाद हम रास्ते में मिल गए एक पपी से, और इसके साथ हम कोऑपरेट करना चाहते थे, बट इसने शुरुआत में तो नहीं की, बट एट दी एंड ये हमारे साथ भी खेलने लगा। हमें हमेशा से मन था कि हम एक पेट पाले, लेकिन मम्मी ने हमेशा से कह दिया था या तो तुम रहोगे या तो घर पे या पेट, तो हमने हमेशा अपने आप को ही चुना। तो रास्ते में चलते हुए हमें एक एलिफेंट भी दिख गया, सो देयर आर अ लॉट ऑफ एनिमल्स इन द रोड टुडे, इसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे, दूर रहेंगे इससे। उसके बाद एक और बात कि अगर आप एक लौते मेल हैं अपने फैमिली में, तो आपको रास्ते में चलते हुए कभी लड़कियाँ नहीं दिख सकती, ये आपको सिर्फ सब्जियाँ ही दिखेंगी, और हमें यहाँ आज सब्जियाँ दिख गई।
तो फिर हम इन भैया के साथ नेगोशिएट करने लगे। MBA से पहले ही हम नेगोशिएशन सीख रहे हैं तो नेगोशिएट तो नहीं कर पाए, वो 10 का 3 कह रहे थे, मैं 10 का 4, तो नेगोशिएट तो नहीं कर पाए। बट एट दी एंड वो मेरा दुख दर्द समझ गए और पैसे तो कम नहीं किए, बट उन्होंने हमें एक एडवाइस दी कि नींबू कैसे पहचानते हैं। में चमक होना चाहिए, ताज़ा नींबू का पहचान होता है। सो इसके बाद हम सीधा घर चले गए क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी। सो घर आने के बाद हमने अपना समय व्यर्थ नहीं किया और हम सीधे अपने लास्ट सेशन पे बैठ गए। जैसा कि कहा था कि मुझे पूरा दिन इंग्लिश पढ़ना है, तो आज कोई बर्डन लग ही नहीं रहा यार। आई होप कि शायद यही एटीट्यूड या यही मेंटल एजिलिटी मुझे मेरी मैथ्स के दिन भी रहे, बट होती है नहीं जनरली। तो ये लास्ट सेशन को हमने एंड किया, लगा ही नहीं कि आज कुछ पढ़ाई भी किया, बट इनफैक्ट बहुत पढ़ाई कर ली हमने। तो उसके बाद लास्ट काम किया दिन का, जो वीकली हम पॉडकास्ट सुनते हैं, तो एस जयशंकर हमारे करंट फॉरेन मिनिस्टर जो है, जिनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, उनको मैं बहुत सुनता हूँ, तो उनके हमने पॉडकास्ट देखे एंड दिस इज़ हाउ आर वर्क एंड टुडे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इट्स 11:17, पिछले बार हम व्लॉग में 1:30 बजे सोए थे, तो वी हैव इम्प्रूव्ड। अभी 11:30 बज चुके हैं एंड ऑल ऑफ आवर वर्क इज डन। जितने भी रूटीन्स थे सब ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं, ऑलमोस्ट, और फाइनली वी आर एट दी एंड। सो बिफोर गोइंग आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू द थैंक यू फॉर द सपोर्ट। पिछले वीडियोज़ पर हमने 1000 views किए थे। आई ऑलवेज बिलीव कि जो लोग जर्नी में जुड़ जाते हैं ना आपके साथ, वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहते हैं। जर्नी में जो आपके साथ जुड़ जाते हैं, आई रियली बिलीव इन दिस स्टेटमेंट। और ये यूट्यूब चैनल शुरू करने का रीज़न ही ये था दैट आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद पीपल जो मेरे साथ जर्नी में जुड़ जाएँ और ज़िंदगी भर मेरे साथ रहें किसी ना किसी माध्यम से। तो इस सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों से जुड़ूँ और कुछ हम बांटें, कुछ आप बांटो, एंड वी कीप ग्रोइंग टुगेदर। टिल देन दिस वीडियो टेक्स अ लॉट ऑफ हसल टू मेक, एडिटिंग टेक्स अ लॉट ऑफ हसल, सो काइंडली शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड शो योर लव इन द कमेंट सेक्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, रब मेहर करे आप पे, और हमेशा ख्याल रखो यार अपना, एंड कीप हसलिंग। वी विल मीट सून। थैंक यू। सचिन सिंह साइनिंग ऑफ हियर।